मध्य प्रदेश में रसूखदार गुंडागर्दी पर उतारू हैं। पंचायत में हुई गड़बड़ियों की जब एक व्यक्ति ने शिकायत की तो सरपंच के रिश्तेदारों ने जांच अधिकारी के सामने ही शिकायतकर्ता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये मामला सिंगरौली का है। सिंगरौली के ग्राम दादा निवासी एक युवक को ग्राम पंचायत के कार्यों में हुई अनियमितता की शिकायत करना भारी पड़ गया। बरगावा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि जांच अधिकारी के सामने ही सरपंच के पुत्रों ने लाठी से शिकायतकर्ता भागीरथी विश्वकर्मा को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पीड़ित विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में तालाब, कूप, नाली और सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की शिकायत कई बार जनपद CEO सहित अन्य अधिकारियों के साथ की गई है। जनपद चितरंगी से जांच अधिकारी दादर पंचायत जांच करने पहुंचे थे, तभी सरपंच सुरतनिया देवी के पुत्र प्रदीप प्रजापति, ससुर हंसालाल प्रजापति और अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता को SC ST सहित अन्य धाराओं में फर्जी फंसाने की धमकी भी दी थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।